नमस्कार, रेखा पॉवर्स किचन में आपका स्वागत है। बिस्किट खाना किसे पसंद नहीं होता है, खास करके बच्चों को, चाहे वो चॉकलेट के हो, काजू के या नारियल के। तो चलिए, आज हम बच्चों के लिए एक ऐसे ही बिस्किट बनाने वाले हैं जो खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही हेल्दी भी है। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इसमें हम 2 कप मैदा डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डाल देंगे। यहाँ पर हम 1/4 कप घी ले रहे हैं, लेकिन जितनी जरूरत लगेगी उतना ही घी हम इसमें डालेंगे। तो पहले हम इसे मिला लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मैदे में घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए अच्छी तरीके से मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब इसमें मोयन पर्याप्त है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप घी लिया था और उसमें से थोड़ा सा घी बचा है, तो हम इसमें ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। जितनी इसमें ज़रूरत लगेगी उतना ही घी डालेंगे। यदि इसमें घी ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारी जो बिस्किट है फ्राई होने पर फट सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप सूखा नारियल या नारियल का बूरा, 1 छोटी चम्मच तिल, और खुशबू के लिए हम इसमें डाल देंगे इलायची। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें हम करीब 1/4 कप चीनी डाल देंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे गुनगुना दूध। दूध को मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है, 1/4 कप दूध ले रहे हैं। इसको भी हम इसमें डाल देंगे, लेकिन एक साथ हम इसमें सारा दूध नहीं डालेंगे। थोड़ी देर इसे इसी तरह से मिलाएंगे और चीनी को पिघलने देंगे। हमने गुनगुना दूध इसीलिए लिया है ताकि चीनी जल्दी से पिघल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर पीसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म दूध ले लेंगे तो इसे ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसलिए जब तक चीनी पिघल रही है दूध भी ठंडा हो जाएगा। करीब 3 से 4 मिनट लगे हैं और आप देखिए चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। हमने यहाँ पर 1/4 कप दूध लिया था, उसमें से भी थोड़ा सा दूध हमने बचा कर रखा है। तो पहले हम इस पानी को ही आटे में डालेंगे और इसका डो लगाएंगे। तो अब हमने जो ये आटा लिया था उसे पहले फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तिल, खोपरा और इलायची अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और इसका सख्त डो तैयार कर लेंगे। इसे ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हल्के हल्के हाथों से ही इस डो को हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका डो लगा करके तैयार कर लिया है और आप देखिए इस तरीके का डो हमें रखना है। तो हमने जो दूध बचा कर रखा था उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी है। हमने इस डो को लगाने के लिए जो चीनी और दूध मिक्स किया था उसमें से भी लगभग 2 चम्मच बच गया है, तो हम इसमें इसे नहीं डालेंगे वरना हमारा डो गीला हो सकता है। तो अब हम इसे करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। करीब 10 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसमें से एक छोटी सी लोई लेंगे, इसे फिर से मसलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम हाथ से इसे गोल कर लेंगे और दोनों हाथों के बीच में दबा करके एक लोई का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, आप चाहें तो इस तरीके से रख करके प्रेस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी साइज़ की कटोरी ली है, आप चाहें तो कोई कटर या ढक्कन भी ले सकते हैं बोतल का, और इस तरीके से इसे दबा देंगे। तो आप देखिए हमारा बिस्किट बन करके तैयार है। इसे हमने बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। तो इसी तरीके से हम सारे बिस्किट बना करके और रेडी कर लेंगे। ये बिस्किट बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। आप इसमें बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से इसे बनाएंगे। देखिए
तो जब तक हम इस तरीके बिस्किट बना करके रेडी कर रहे हैं, तब तक हम गैस पर पैन चढ़ाकर उसमें घी गर्म होने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पर इन्हें घी में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इधर हम घी को गर्म होने देते हैं। हमने यहाँ पर कुछ बिस्किट बना करके रेडी कर लिए हैं, तो अब हम इन्हें पहले फ्राई कर लेते हैं। इधर पैन में हमने घी गर्म होने के लिए रखा था और ये हल्का सा गर्म हो चुका है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बिस्किट डालकर देखते हैं। तो आप देखिए घी में डालते ही इसमें बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब घी परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हम गर्म घी नहीं करेंगे। तो अब हम एक एक करके बिस्किट इसमें डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम मीडियम लो फ्लेम पर ही तलेंगे। घी में डालने के बाद हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। अगर फ्राई करते समय आपको लगे कि घी ठंडा होने लगा है तो आप गैस की आंच थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, वरना बिस्किट घी में बिखर सकते हैं। और जब एक तरफ से इनका कलर चेंज होने लगे तब हम इन्हें पलट लेंगे। आप देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है, बहुत ही आराम आराम से हम इन्हें पलटेंगे वरना ये टूट सकते हैं। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सेक लेना है। 1 से 1.5 मिनट में दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक चुके हैं। तो आप देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इन्हें निकाल लेंगे वरना इनका कलर डार्क हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से सिके हैं हमारे बिस्किट, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो आप देखिए हमारे कितने अच्छे बिस्किट बनकर के तैयार हैं। इसमें जो क्रैक्स आए हैं इसका मतलब ये है कि हमारे बिस्किट बहुत ही अच्छे बने हैं और अंदर तक अच्छे से सीख चुके हैं। तो हम इसी तरीके से सभी को फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए हमने इन्हें अच्छे से सेक लिया है, निकाल लेते हैं हम इन सबको। तो लीजिए हमारे नारियल के बिस्किट बन करके रेडी है और आप देख सकते हैं बिस्किट कितने अच्छे बने हैं। ये ऊपर से जितना आपको क्रिस्पी दिख रहे हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। देखिए और खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे। तो आप भी इसी तरीके से एक बार ये बिस्किट ज़रूर बनाइए, आपको पसंद आएंगे। और जब कभी हल्की फुल्की भूख हो आप ये बिस्किट खा सकते हैं। इन्हें बना करके आप महीने भर तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। आप देखिए इसमें हल्के से क्रैक्स आए हैं, इसका मतलब ये है कि बिस्किट बहुत अच्छे से अंदर तक सिक चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।